चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिया आपने, तो आपको गिवन है cot theta equal to 7/8। तो cot theta equal to 7/8 है, तो आपको याद होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो इस बिहाफ पे आप निकाल सकते हैं कि cot theta का जो रेशियो है वो क्या है, ठीक है, यानी बी बाई पी, यानी आपका जो है बेस हो गया वो 7 हो गया और परपेंडिकुलर जो हो गया वो 8 हो गया। परपेंडिकुलर 8 हो गया, आप हाइपोटेनियस आप निकाल सकते हो, अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 49 64। ओके, तो आपके पास बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, तो आप आई थिंक आप निकाल सकते हैं। सिंपल सा आप यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा आप चाहें तो ऊपर वाला आप ये भी लिख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन 1 + sin θ 1 - sin θ 1 + cos θ 1 - cos θ। इसको फार्मूले तो कई हैं जिस पर की बेस पे आप कर सकते हो, बट यहाँ हमको रेशियो से करना है, तो रेशियो के हिसाब से ही आप करेंगे। अब यहाँ सिंपल सा ये लिख सकते हो, a - sin²θ अपॉन 1 - cos²θ। अब चाहे तो ये भी लिख सकते हो कि इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आप चाहे तो। यहाँ पे आप कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये सिंपल हो गया। तो अभी अब क्या करेंगे, यहाँ कॉस का रेशियो निकाल लेंगे और साइन का रेशियो निकाल के यहाँ पे उल्टा पाप कर देंगे, तो आपका कॉस का रेशियो क्या हो जाएगा, आपका कॉस थीटा का रेशियो आपका बी वाई एच, तो बी अपॉन 7 और अंडर रूट 130, और साइन थीटा आपका हो जाएगा पी वाई, तो 8/113 हो गया आपका। बस वहाँ पे आपको पुट अप कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप क्या रख सकते हो, 7/√2² बिकॉज cos स्क्वायर थीटा है, इसलिए हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे, और फिर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 8/√13 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है ये 49, 113/64 अपॉन 130, 130 से 130 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको बच जाएगा 49/64, दैट विल बी आंसर। तो हम सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं, सेकंड पोर्शन cot स्क्वायर थीटा, सेकंड पोर्शन है cot स्क्वायर थीटा। तो cot की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है 7/8, तो कुछ करना नहीं है, आप 7/8 रख के स्क्वायर कर दीजिए, तो 49/64 ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है कि 3 cot A = 4 है, और आपको प्रूव करना है कि ये इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो 3 cot A = 4 है आपका, तो cot A इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 4/3 आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर सिंपल समय ये जैसा अभी क्वेश्चन नंबर 7 बताया कि 3/4 है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, यानी आपका हो गया बी 4 हो गया और जो बी है आपका 3 हो गया, तो हाइपोटेनियस आप निकाल सकते हैं यहाँ से, कितना आ जाएगा 16 9 एंड एच इक्वल टू 5 हो गया आपका, ठीक है। तो एच ये हो गया आपका, आप यहाँ से टेन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टेन इक्वल टू इसी के रिसिप्रोकल 3/4 हो जाएगा। आप यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर सकते हो, और यहाँ पे आप cos a और sin a आप निको निकालना है, तो cos a और sin a आराम से इजीली आप निकाल सकते हैं, कि जैसे cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका b/h, तो b/h यानी 4/5 एंड sin a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका p/h, तो p आपका 3 हो गया 3/5, यहाँ वैल्यू आप पुट अप कर दीजिए, 1 - आपका tan थीटा 3/4 होल स्क्वायर 1 + 3/4 होल स्क्वायर
इक्वल टू कॉस थीटा 4/5 होल स्क्वायर माइनस 3/5 होल स्क्वायर। सो लेट्स सॉल्व, ये हो जाएगा आपका 1 - 9/16 1 + 9/16 एंड 16/25 और -9/25। सो लेट्स सॉल्व, इसको सॉल्व आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 7/16 और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 25/16 हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका यहाँ हो गया, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7/25। ठीक है, तो अब देख रहे हैं यहाँ से जो कुछ बचा है वो भी आपका 7/25 और यहाँ पे भी 7/25 है, ये हो गया आपका आंसर।